मीडिया बंधुओं का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप हमेशा छात्र हितों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा प्रवेश व परीक्षा के परिणाम को लेकर जो स्थिति पूरे प्रदेश भर में बनी हुई है उसको लेकर के प्रेस वार्ता हमने रखी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हरियाणा सरकार के सामने पिछले बार विज्ञापन दिया था, लगातार इस बार भी हमने चौथी बार अपना ज्ञापन प्रेषित शिक्षा मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को किया है। हमने इस ज्ञापन में मुख्यतः सात मांगे रखी हैं, जिसमें सबसे पहली मांग पिछले वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा विद्यार्थियों की फीस में भारी भारी बढ़ोतरी की गई थी, और उसके लिए जब विद्यार्थी परिषद ने जगह जगह आंदोलन किया, कॉलेजों की तालाबंदी की, भूख हड़ताल की, अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया, तो हरियाणा सरकार वह एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको 15 दिन में वापस करने का निर्णय व नोटिस जारी किया था, मगर अधिकतर कॉलेजों में अभी भी वो फीस वापसी नहीं हुई है। तो हमने पहली मांग रखी है कि तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार व एजुकेशन बोर्ड इस संदर्भ में फैसला लेकर के विद्यार्थियों की फीस वापसी के आदेश उन कॉलेजों को जारी करें। दूसरी मांग हमने रखी है कि आगामी शिक्षा स्तर में जिन सुविधाओं का उपयोग छात्र नहीं कर रहे उनका शुल्क बिल्कुल नहीं लिया जाए, क्योंकि अभी आपने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान अधिकतर छात्र कक्षाएं नहीं लगी रेगुलर रूप से, तो इस कारण से मेस की सुविधा हुई, हॉस्टल की सुविधा हुई, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं विद्यार्थियों ने उपयोग में नहीं लाई और उनका शुल्क कहीं ना कहीं प्रशासन उससे ले रहा है, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में विरोध करती है। उसके पश्चात प्रवेश शुल्क इस बार भी कहीं ना कहीं अधिकतर यूनिवर्सिटी द्वारा बढ़ाया गया है और कुछ यूनिवर्सिटी द्वारा पहले का शुल्क जो कि तो लिया जा रहा है, जबकि इस बार भी विद्यार्थी परिषद इस महामारी के दौरान सुविधा का उपयोग नहीं कर रहा है और लगभग कुछ महीने इस तरह के निकल भी गए हैं, तो उनका जो प्रवेश शुल्क है कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है वो गलत है। उसे हरियाणा सरकार बहुत सारे फंड प्रशासन को प्रोवाइड करवाती है विश्वविद्यालय कॉलेजों को, तो उसके माध्यम से भी उनको वहन कर सकता है, उसका वजन विद्यार्थी पर डालना कहीं ना कहीं गलत है ऐसा हम मानते हैं। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह भी प्रशासन से मांग करती है कि वह प्रवेश शुल्क में 50% तक की कुल शुल्कों में, जैसे बिल्डिंग फंड है, हॉस्टल का है, ऐसे अनेक जो खर्च ले जाते हैं वो कम करें और वो विद्यार्थियों से ना लिए जाए। उसके पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चौथी मांग इस मांग पत्र में जो भेजी है, प्रदेश के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाए, पर्याप्त समय देकर परीक्षा की जानकारी दी जाए, अगर परीक्षा ऑनलाइन होती है तो पहले मॉक टेस्ट आयोजित किया जाए, यानी कि पहले एक प्रैक्टिस टेस्ट सभी बच्चों से लिया जाए जिनकी ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है, ताकि कल किसी भी प्रकार की बाधा के कारण स्टूडेंट की जो परीक्षा है वो प्रभावित ना हो। उसके अलावा आजकल रिपेयर के विद्यार्थियों का विषय कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बना हुआ है, उनके लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि सरकार द्वारा, एजुकेशन बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई उचित निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया गया है, इसके कारण उनका साल खराब होने की स्थिति बनी हुई है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस पर हरियाणा सरकार, एजुकेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी तुरंत प्रभाव से निर्णय लें और उन विद्यार्थियों के एक साल खराब होने से बचाएं। उसके अलावा हमने बीते मार्च से ही देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले अधिकतर विद्यार्थियों अपने घरों में चले गए थे, जैसा कि मैंने बताया मैस शुल्क है, हॉस्टल शुल्क है, छात्रावास का शुल्क है, वो सभी उन्हें वापस दिए जाए। फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया गया है UGC द्वारा भी, हरियाणा सरकार द्वारा भी, एजुकेशन बोर्ड द्वारा भी, मगर उससे परीक्षा शुल्क प्रत्येक यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा वसूला गया है वो उनको वापिस दिया जाए, ऐसा भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है, क्योंकि उन्होंने उन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया है। तो इसलिए हमारा सीधा और स्पष्ट कहना है सरकार को कि वो उस मामले में तुरंत संज्ञान ले और एजुकेशन बोर्ड भी इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए उनका शुल्क वापिस करे। हमारी सातवीं मांग हमने जो रखी है, परीक्षा के लिए हर विद्यार्थी को अपने गृह जिले से दूर आना पड़ेगा, यातायात की सुविधा भी हरियाणा में दुरुस्त की जाए, अगर वह दुरुस्त नहीं होती है तो प्रत्येक गृह जिले पे एक केंद्र बनाया जाए, ताकि इस महामारी के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उनके स्वास्थ्य को बचाया जाए। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी सातवीं मांग इस मांग पत्र में रखी है। उसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परीक्षाओं के समय में विद्यार्थियों को आने वाली समस्याओं का समाधान हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक जिले पर एक जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्ति की भी मांग की है एजुकेशन बोर्ड से। उसके साथ ही हमने ये भी मांग रखी है कि हमारी मातृभाषा को इस बार महत्व देते हुए एजुकेशन बोर्ड जब भी अपना कोई नोटिस जारी करे तो वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी जरूर जारी करें, ताकि हमारी मातृभाषा का जो महत्व लगातार कहीं ना कहीं घट रहा है उसको वापस से बढ़ाया जाए, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंदी के महत्व को इस समाज और देश में दोबारा स्थापित करने के लिए अपना काम निरंतर कर रही है।
हमने ये सभी मांग पत्र अपने लगातार 4 बार राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और एजुकेशन बोर्ड को भेजे हैं। इसी की रूपरेखा को बनाते हुए आज ये अखिल भारतीय विद्यार्थी विधि कॉन्फ्रेंस थी, ताकि बच्चों के, विद्यार्थियों की आवाज़ को हम आपके माध्यम से समाज में पहुँचा सकें और आवाज़ बुलंद कर सकें और विद्यार्थियों को उनका हक दिला सकें। नीट और जेईई की एग्जाम देने से छात्र मना कर रहे हैं, कारण कोरोना महामारी, तो आप उस बात पर क्या अपने राय देंगे? नीट और जेईई के जो एग्जाम है उसको लेकर के अभी हमारे जो प्रांत से या राष्ट्रीय की ओर से कोई अभी सूचना हमें आग्रह प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा वहाँ से प्राप्त होगा हम बताएंगे। मगर निजी तौर पर यदि मैं कहूँ तो सबसे पहले सुविधाएं कितनी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उसको देख करके ही परीक्षा ली जानी उचित रहेगी, क्योंकि मूल्यांकन के अनेक तरीके होते हैं, तो किस तरीके से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है स्थिति को देखते वो भी सरकार को विचार करना चाहिए। जैसे कि अभी कई हम कॉलेज विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेते हैं तो कई कॉलेज ऑनलाइन ले रहे हैं, कई ऑफलाइन ले रहे हैं, मगर विद्यार्थी परिषद जब अपना पहला मांग पत्र रखा तो उसमें सरकार को 13 विकल्प सुझाए थे, उन 13 विकल्प में से किसी भी तरीके से मूल्यांकन हो सकता था और विद्यार्थी परिषद ने मूल्यांकन की मांग रखी थी। ये कहीं ना कहीं उचित तरीके से यदि होता तो और भी अच्छा रहता, किसके लिए अन्य तरीकों पर यदि सरकार विचार करती तो, मगर सरकार ने जो विचार किया है हम उससे भी कहीं ना कहीं संतोषजनक है, यदि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है तो। लॉकडाउन के दौरान या महामारी के दौरान जो भी है सब कुछ बंद था, परिवहन यहाँ तक कि वाहन भी बंद थे, विद्यार्थी जो है अपने कॉलेज के लिए आएंगे, लेकिन अभी जो है एग्जाम के दौरान की बात की जाए तो विद्यार्थियों की मांग है, यही जनता कॉलेज की भी बात की जाए, कि पुराने जो पास थे उन्हें वैसे ही चलाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उस दौरान उस सुविधा का उपयोग नहीं किया है तो उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपना शुल्क दिया हुआ है। ये बिल्कुल सही मांग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का समर्थन करती है और हम भी प्रशासन से ये मांग बिल्कुल अपनी ओर से रखेंगे कि विद्यार्थियों को पुराने बस पास पर आने की अनुमति प्रदान की जाए। सर आप कह रहे हैं कि ये जो फीस है वो, क्योंकि बड़ा एक जो लोग हैं सर वो शिक्षा से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में जो उसके टीचर हैं, टीचरों के बच्चे हैं, अगर वो फीस जमा नहीं होगी कॉलेजों में तो सरकार वो फीस कहाँ से देगी? तो उसके ऊपर जो टीचर है कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के, वो किस प्रकार से फीस ले, मतलब अपनी तनख्वाह ले पाएंगे? तो उसके ऊपर सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है उससे। सरकार और केंद्र सरकार को की ओर से अनेक प्रकार के फंड दिए जाते हैं, और आप अभी हमारे हरियाणा के कॉलेजों का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो वेलफेयर फंड हमारे कॉलेजों के ऐसे ऐसे पड़े हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता, तो इस महामारी के दौरान हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, और फंड जो हरियाणा सरकार से मिलते हैं या केंद्र सरकार से मिलते हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी अगर सही तरीके से उसका उपयोग किया जाता है तो। ये सर आप ऑनलाइन परीक्षा और मॉक टेस्ट का आपने जिक्र किया यहाँ पे, तो सर क्योंकि अभी तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा ऑलरेडी परीक्षाएं शुरू करवा दी गई हैं जी, तो इसका सर कितना क्या सर उसके ऊपर पड़ेगा प्रशासन के ऊपर, क्योंकि अभी ऑलरेडी परीक्षाएं चल रही है सर, तो बीच में कैसे बंद करके और आपकी मांग को मानेंगे? अभी जो BA BSc की परीक्षा है वो शुरू नहीं हुई है, उनके लिए इस विकल्प को अपनाया जा सकता है अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर विचार करता है तो, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले ही मांग पत्र में सरकार को मैंने बताया कि 13 सुझाव दिए थे विद्यार्थियों के लिए, ऑफलाइन एग्जाम नहीं कराना चाहती सरकार तो अन्य 13 तरीके मूल्यांकन के कोई भी तरीका सरकार अपना सकती है, मगर प्रमोट डिग्री यानी कि कोविड के नाम की डिग्री विद्यार्थी को ना मिले, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि कल को कोई बच्चा किसी संस्थान में नौकरी लेने जाता है तो उसमें सवाल नहीं खड़ा हो, तो इस कारण विद्यार्थी परिषद ने मूल्यांकन की मांग की थी। सर विद्यार्थी परिषद परीक्षा के तो समर्थन में था लेकिन ऑफलाइन परीक्षा के समर्थन में नहीं था, तो ऐसे में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा ऑलरेडी जो परीक्षाएं वो चली हुई, तो इसके लिए आपका संगठन है वो क्या कार्य कर रहा है? हमारे संगठन ने भिवानी सिविल यूनिवर्सिटी के प्रशासन को 2 बार मांग पत्र दिया और अभी 7 दिन से हमारा धरना कंटिन्यू अपनी मांगों को लेकर के वहाँ हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कर रहे हैं कि हम प्रशासन पर अपना दबाव बना सकें और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हित में आगामी जो रणनीति उसके तहत फैसला आ सके। अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं वो आगे होंगी या ना होंगी वो भविष्य की बात है, लेकिन अगर ऐसी परीक्षाएं होती हैं और किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो उसकी सब जिम्मेवारी कौन लेगा, ये आपने मांग पत्र में नहीं लिखा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मांग पत्र में हमने स्पष्ट कहा है कि जब हमारा पहला मांग पत्र गया है तो उसमें हमने कहा कि यदि इस महामारी के दौरान किसी विद्यार्थी को कोरोना महामारी होती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, क्योंकि हमने अनेक विकल्प सुलझाए हैं, सरकार उन पर विचार करती, ऑफलाइन ने यदि फैसला लिया तो सरकार का, UGC का है तो उसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है, मगर उसके साथ साथ हमने मांग एक भी रख एक मांग और भी रखी है कि विद्यार्थियों का 20 लाख का बीमा भी प्रशासन द्वारा किया जाए इस दौरान।
अगर इसके बावजूद अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, ऐसे ही पेपर होते हैं, तो संगठन संगठन की तरफ से अगला क्या कदम होगा? संगठन की ओर से अगला कदम है 31 अगस्त को आने वाली हम पूरे प्रदेश भर में कॉलेजों और विश्वविद्यालय की तालाबंदी और धरना प्रदर्शन ऐसा करने जा रहे हैं। अगर फिर भी सरकार को जागने का काम नहीं करती है तो हम आने वाले 3 सितंबर को पूरे हरियाणा के जो हमारे छात्र संगठन के लोग हैं वो जाएंगे और आयुर्वेद का हम घेराव करेंगे। महामारी के दौरान वैसे ही तालाबंदी हो चुकी